हेलो गाइज वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड्रॉइड एनसी और काफ़ी दिनों के बाद मैंने फिर से टेक न्यूज़ स्टार्ट कर दिया है तो आप लोगों को यहाँ पे एक नया सेटअप दिख रहा होगा तो ये माइक जो है मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो जल्दी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो यहाँ पे काफ़ी सारे टेक न्यूज़ है जो कि मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो पहला अपडेट एम आई आई को लेकर है जैसे कि आप लोग को पता होगा कि Redmi Note 9 Pro 5G जो है वो इंडिया के बाहर लॉन्च हो चुका है अब ये Redmi Note 9 Pro 5G इंडियन मार्केट में MI 10i के नाम से लॉन्च होने वाला है और उसका जो पोस्टर है वो लीक हो चुका है दोस्तों जहाँ से मैं इसके कंफर्म लॉन्च डेट के बारे में पता चला है एम आई टेन आई जो ये पांच जनवरी को फाइनली लॉन्च होने वाला है और ये स्मार्टफोन पहला का स्मार्टफोन होगा जो कि की 2021 में लॉन्च होने वाला है इस स्मार्टफोन तो में आपको वन हंड्रेड ट्वेंटी का रिफ्रेस देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का सेवन वाला चिपसेट देखने को मिलने वाला है तो यहाँ पर जो ओवरऑल स्पेक्स है काफी अच्छा है एम आई का और यह स्मार्टफोन पांच जनवरी को आपको देखने को मिलने वाला है दूसरा अपडेट एम M11 को लेके हैं। M11 का लॉन्च डेट कंफर्म हो चुका है और इसका जो फर्स्ट पोस्टर जो वो लीक हो चुका है जहां से हमें इसके लॉन्च डेट के बारे में पता चला है एम आई इलेवन के थोड़े स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंच का फुल एच डी प्लस सुपर एम वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन में आपको वन हंड ट्वेंटी को मिलेगा इस स्मार्टफोन में आपको 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेड कैमरा का सेटअप मिलेगा इस स्मार्टफोन में आपको स्नैप का एट वाला चिपसेट भी देखने को मिलेगा साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको ट्वेल्व जी रैम एंड टू फिफ्टी सिक्स जी वाला एंट्रेस देखने को मिल जाएगा साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको वन हंड्रेड ट्वेंटी वाइट का फर्स्ट का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है और यह स्मार्टफोन चाइना मार्केट में ट्वेंटी

भी, आ, पता हमें नहीं चला है आगे चलेगा पता तो मैं आप शा, करूं। अगले, अगले की तरप, तो टेक ने अपना स्मार्ट जो है, वो रियल्मी का रियलमी एक्स होने वाला है दोस्तों। और यहां पर स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में फुल एच प्लस सुपर एमरेडा डिस्प्ले देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन में आपको मिल जाएगा स्मार्टफोन में आपको मीडिया का डायमेंटी थाउजेंड प्लस

और इसमें इस, इस अपडेट में आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा कंट्रोल सेंटर और डार्क मोड में अगर आपके पास रेडमी एट है तो इस अपडेट को आप कर सकते हो और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएगा कि इस अपडेट को आपने कर लिया या फिर आप करोगे बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ तो Vivo की तरफ से एक जल्दी नया स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा जो कि Vivo Y31 स्मार्टफोन गूगल प्ले कंसोल के ऊपर लिस्टिंग हो चुका है गैस। और यहाँ पे स्मार्टफोन जल्द ही इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन का 662 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा यहां पे आपको ड्रगन का सिक्स का को मिल मिल जाएगा 4G वाला देखने को मिल जाएगा और इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड इलेवन जो वॉट ऑफ दी बॉक्स देखने को मिलेगा विद ओरिजिन ओ के साथ बाकी इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में अभी हमें पता नहीं चला है आगे पता चलेगा तो मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूंगा बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि सैमसंग गलेक्सी A32

इस स्मार्टफोन में आपको फाइव थाउजेंड के बैटरी देखने को मिलेगा और साथ ही पे आपको फिफ्टीन वाट का चार्जर देखने को मिल जाएगा इस स्मार्टफोन का जो स्टार्टिंग वर्जन का प्राइस होगा वो ट्वेंटी पड़ेगा और इसका जो 5G वर्जन है उसके बारे में अभी कुछ भी पता नहीं चला है आगे पता चलेगा तो मैं आप लोगों से जोर शेयर करूंगा तो आज की न्यूज यहीं पे समाप्त करते हैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपका कोई भी सवाल इससे हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं फिर मैं मिलता हूँ एक न्यू और एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद वो वंदे मात्रम थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो